बद्दी में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली निकालकर जैसे आफत मोल ले ली है और कांग्रेस को चुनावों के समय में एक मुद्दा दे दिया है जिसे अब कांग्रेस भुनाने में जुट चुकी है और भाजपा अध्यक्ष पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बद्दी में भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली निकालकर जैसे आफत मोल ले ली है और कांग्रेस को चुनावों के समय में एक मुद्दा दे दिया है जिसे अब कांग्रेस भुनाने में जुट चुकी है और भाजपा अध्यक्ष पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जहाँ एक और कांग्रेस कार्यकर्ता अधिवक्ता ने उनकी जीव काटने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है, वहीं अब सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की बात कही है। सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपनी हार को समीप देखकर बुरी तरह बौखला चुके हैं। वे कांग्रेस अध्यक्ष की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, यही कारण है कि वे अनाप शनाप बयानबाजी करने में जुट गए हैं। सूद ने कहा कि वे जल्द से जल्द सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी, जिसे साफ पता चलता है कि ये कितने बौखला चुके हैं। ये अपनी हार पहले ही मान चुके हैं, क्योंकि भाजपा इतने बुरी तरीके से प्रचार में पिछड़ चुकी है कि अब उसे दिखने लग गया है कि हिमाचल के अंदर चारों सीटें जो है वो कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस के पाले में जाने वाली है। जिस बौखलाहट का नतीजा आपने शनिवार को देखा कि मंच पर से सतपाल सत्ती, जो कि एक प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के, उन्होंने माँ बहन की गालियाँ तक जो है वो स्टेज से दे डाली। मैं पूछना चाहता हूँ उन सतपाल सत्ती जी से, क्या उनके ये नज़र नहीं आया कि उनके पंडाल में बैठी महिलाओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ बैठे युवाओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ राजनीतिक फायदे और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उन्होंने मंच के ऊपर से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी भाषा का प्रयोग करके उन्होंने हिमाचल का ही नहीं पूरी पार्टी का भी नाम खराब किया है। उन्हें जल्द से जल्द इस बात के लिए अपनी माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। न जाने कौन से स्कूल में उन्होंने ऐसी शिक्षा ग्रहण करी है जिससे वो स्कूल का भी नाम खराब कर रहे हैं, हिमाचल का भी नाम खराब कर रहे हैं और अपनी पार्टी का भी नाम खराब कर रहे हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। अब जुड़े रहिए एस्ट्रो डे के साथ। नमस्कार।